नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज नाइन लाइव टीवी। टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कपिल शर्मा की बुलंदी दिन प्रतिदिन बढ़ी है, साथ ही उनके साथ समय समय पर कई विवाद भी जुड़ते रहे। ऐसा ही एक ताजा विवाद कपिल शर्मा के 28 मार्च को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम से हुआ है, जिसमें कायस्थ समाज के आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त का भद्दा मजाक उड़ाया गया था, जिसके अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सारंग ग्रुप के संस्कृत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार जौहरी ने कड़े रूप से निंदा की थी। शो के कलाकारों ने अन्य विवादों की तरह कायस्थ समाज के विवाद को भी हल्के में लिया, जिसका असर यह हुआ कि समस्त कायस्थ समाज ने शो का बहिष्कार करने और बड़े आंदोलन की धमकी दे डाली। आशीष जौहरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने भगवान चित्रगुप्त के अपमान पर कपिल शर्मा को घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद 22 मई को कपिल शर्मा द्वारा अपने उस कृत्य के लिए लिखित में अपने ट्वीट के माध्यम से माफी मांगी है। वहीं संबंध में हमारे संवाददाता शुभम राय ने बरेली प्रेस क्लब के अध्यक्ष और कायस्थ चेतना मंच के संरक्षक व पवन सक्सेना से कुछ खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। आशीष जी, कपिल शर्मा ने जो चित्राम महासभा कायस्थ समाज से माफी मांगी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि हास्य जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, लेकिन अगर वही हास्य किसी के लिए एक अपमानजनक बन जाए, उसके लिए पीड़ा बन जाए, एक मजाक बन जाए, तो मुझे लगता है वो फिर हास्य हास्य नहीं रहता है, बल्कि एक अपमानजनक स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा ही कुछ कपिल शर्मा जी ने 28 मार्च को अपने एपिसोड में कायस्थ समाज के आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज जी का एक भद्दा मजाक बनाया, अपमान किया उनका, जिससे समस्त कायस्थ समाज में बहुत रोष पैदा हो गया। और यकीन मानिए, जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने तुरंत उस पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा सारंग ग्रुप के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एवं समस्त कायस्थ समाज का के प्रति जो हमारी आराध्य के प्रति हमारी भावना है, उसको जो कपिल शर्मा ने जो ठेस पहुंचाई, तो मैंने तुरंत कपिल शर्मा जी को इसके लिए ट्वीट किया और उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा। साथ ही हमने ये भी कहा कि अभी चूंकि बहुत एक बड़ी महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, हम लोग लॉकडाउन पीरियड में हैं, तो हमने ये भी कहा कि अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने के बाद हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज भी करवाएंगे। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी ने उनको बुद्धि प्रदान की और अभी लॉकडाउन पीरियड खत्म भी नहीं हुआ है, लॉकडाउन में ही हैं हम, और उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से लिखित रूप से माफ़ी मांग ली है। हम सभी कायस्थ समाज लोग, ये सभी लोग क्योंकि उदारवादी होते हैं, और हम लोगों ने उनकी माफ़ी को स्वीकार भी कर लिया है, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी उनको भविष्य में भी इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने की बुद्धि ना उत्पन्न करें। साथ ही हम ये भी कहेंगे कपिल शर्मा जी से कि बात सिर्फ हमारे कायस्थ समाज की नहीं, बात सिर्फ हिंदू समाज की नहीं, मैं तो कहूँगा कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज के आराध्य का मजाक उड़ाना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण है, और इसकी पुण्यवृत्ति उनके द्वारा ना हो, यही मैं अपेक्षा करता हूँ, यही कामना करता हूँ। नमस्कार। कायस्थ समाज के आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी, जिनका हम सभी बहुत ही वंदन करते हैं और हमारे समाज के वो आराध्य देवता हैं, सर्व समाज के आराध्य देवता हैं, ऐसे देवता के प्रति कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है, इसके शो में बहुत ही खराब अपमानजनक व्यवहार किया गया, बहुत ही खराब तरीके से उनको चित्रित किया गया, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। इस विरोध की शुरुआत बरेली से हुई और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री आशीष जौहरी जी व समस्त कायस्थ समाज से जो संस्थाएँ हैं, उन सब ने इसका विरोध किया, और इस विरोध की आवाज़ इतनी बड़ी हुई, पूरे देश से इतनी आवाज़ उठी कि आज कपिल शर्मा को इस पर माफ़ी मांगनी पड़ी। तो मैं आपके माध्यम से फिल्म जगत से जुड़े लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि वो कायस्थ समाज हो या कोई सा भी समाज हो, किसी भी समाज या किसी भी जाति या किसी भी धर्म के जो आराध्य देवता हैं, उनके प्रति ऐसी कोई टिप्पणी ना करें, ऐसा कोई अपमानजनक व्यवहार ना करें जिससे उस समाज की भावनाएँ आहत हों। कपिल शर्मा जी ने अपनी भूल सुधारी है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में वो ऐसी भूल दोबारा नहीं करेंगे।